दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर सोलन। हिमाचल भाजपा अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती द्वारा राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी को लेकर चुनाव आयोग द्वारा कोई भी कार्रवाई न करने पर अब कांग्रेस फिर से चुनाव आयोग पहुंच गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित कई नेताओं ने मुख्य चुनाव अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जल्द कार्रवाई की मांग की है। सुक्खू ने कहा कि 48 घंटे बीत जाने के बाद भी चुनाव आयोग द्वारा सतपाल सत्ती पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने चुनाव आयोग से जल्द सतपाल सत्ती पर प्रतिबंध लगाने की मांग की और चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो कांग्रेस सत्ती के घर के बाहर धरना प्रदर्शन करने के साथ जगह जगह काले झंडे दिखाएगी। आज कांग्रेस पार्टी के विधायक, पूर्व विधायक, पार्टी संगठन के पदाधिकारियों ने चीफ इलेक्शन ऑफिसर और जो चीफ इलेक्शन कमीशन है उन्हें एक ज्ञापन सौंपा है। पिछले 48 घंटे में इलेक्शन कमीशन ने कोई भी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती जी की जो अपद्र भाषा का प्रयोग उन्होंने किया उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। कांग्रेस पार्टी ने इसका कड़ा संज्ञान लिया है। कांग्रेस पार्टी ने आज कहा है कि अगर उस पर बैन नहीं किया जाता तो कल कांग्रेस पार्टी पूरे हिमाचल प्रदेश में सतपाल सत्ती जी को काले झंडे दिखाएगी और उनके घर का घेराव किया जाएगा। हमारा ये मानना है कि जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग सतपाल सत्ती जी ने किया है उससे हिमाचल प्रदेश की संस्कृति भी शर्मसार हुई है। हमें देवभूमि के नाम से जाना जाता है जहाँ सम्मान और संस्कृति को एक दृष्टि से देखा जाता है, पर इलेक्शन कमीशन पिछले 48 घंटे नोटिस होने के बावजूद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ऐसा लगता है वो किसी के दबाव में काम कर रहा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी सतपाल सत्ती का घेराव करने का अपना मन बना चुकी है। जिस तरह से फेसबुक में कट एंड पेस्ट तो तब होता कि कहीं अगर लाइव ना चला होता, उनका बयान ही लाइव चला है। यही नहीं, उसके अगले दिन भी उन्होंने कड़ी टिप्पणियाँ की है। उन्होंने राधा स्वामी सत्संग व्यास जो एक संस्था है, ऐसी सामाजिक संस्था, धार्मिक संस्था है, उस पर भी टिप्पणी की है। तो इस प्रकार की टिप्पणियों से प्रदेश अध्यक्ष को बचना चाहिए। वो खेद व्यक्त करने की जगह उसको और अधिक तूल देने की बात कर रहे हैं। इस पर कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में सतपाल सत्ती जी का घेराव करने का मन बनाया है। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए शिमला से रुचिका चंदेल की रिपोर्ट। यदि आप शुभ नवरात्रों और शादियों के इस सीजन में खरीदारी की सोच रहे हैं तो अवश्य आएं भूषण ज्वेलर। इन खास त्योहारों को खास बनाने के लिए सोलन के भूषण ज्वेलर आपके लिए लाए हैं पारंपरिक एवं आधुनिक आभूषणों का बेजोड़ खजाना, वो भी बेहद किफायती दामों पर। भूषण ज्वेलर आभूषणों की दुनिया का वो नाम है जो कम ही समय में नामी आभूषण निर्माताओं में शुमार हो गया है। खरीदारी के समय यहाँ न आपको केवल अपनेपन का एहसास होगा बल्कि कुछ न कुछ गिफ्ट भी अवश्य मिलेगा। भूषण ज्वेलर सोलन के MD विनय गुप्ता का कहना है कि शादी विवाह के आभूषणों की खरीद व किटी अकाउंट खोलने पर ग्राहकों को सुनिश्चित उपहार दिए जाते हैं। उन्होंने बताया कि त्योहारों के सीजन में ग्राहकों को एक ईऑन कार, 5 स्कूटी व 1.5 इनाम दिए गए हैं। डायमंड की खरीद पर 40% की छूट दी जा रही है। तो देर किस बात की, अपनी सुंदरता को चार चांद लगाने के लिए चले आए भूषण ज्वेलर सोलन।